Hello YouTube, this side Rahul Kumar, and today we will discuss about how to install Kali Linux in virtual machine. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम Kali Linux को इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल मशीन में. वर्चुअल मशीन क्या होती है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आज वर्चुअल मशीन में यानी कि VMware में जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो VMware के टूल्स क्या होते हैं, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है, VMware में जो ऑप्शंस होते हैं, फिर हम बात करें नेटवर्किंग की तो किस तरह से हम वर्चुअल मशीन में इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं और क्या मतलब होता है इन ऑप्शंस का. तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करें. ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं वर्चुअलाइजेशन की. तो पहले हम जान लेते हैं कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है. देखिए, अगर आपको अपने कंप्यूटर में दो कंप्यूटर यानी कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ रन करने हो तो आप क्या करेंगे, आप जनरली क्या करेंगे. अगर कोई जिसको इतना टेक्निकल नहीं होगा, अगर उसको अभी एथिकल हैकिंग सीखनी हो तो उसको लाइनक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज़ का है, तो क्या करेगा, विंडोज़ को फॉर्मेट करने के बाद एथिकल हैकिंग के लिए लाइनक्स इंस्टॉल करेगा. लेकिन हम वर्चुअलाइजेशन की मदद से एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में दो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VMware सॉफ्टवेयर. तो चलिए पहले सबसे पहले डाउनलोड करते हैं VMware सॉफ्टवेयर को. गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है VMware. सबसे पहले जो लिंक आएगा VMware.com, इसको आपने ओपन करना है. ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है. यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा डाउनलोड्स का, डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड्स का पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे जैसे डेटा सेंटर एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट. आपको नीचे जाके स्क्रॉल करना है और जाना है डेस्कटॉप एंड एंड यूजर कंप्यूटिंग पे. यहाँ पे जाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है VMware Workstation Pro, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है. क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड पहले से ही कर रखा है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ. दूसरी मेन चीज़ हमें डाउनलोड करनी है Kali Linux की ISO इमेज, उसको डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल पे जाना है वापस से. यहाँ पे लिखना है Kali और उसके बाद हमने फर्स्ट जो लिंक ओपन होगा Kali Linux पेनिट्रेशन टेस्टिंग एथिकल हैकिंग, इसको हमने क्या करना है, ओपन कर लेना है. या फिर डायरेक्टली आप ऑफिशियल Kali Linux डाउनलोड पे भी क्लिक कर सकते हैं. उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ISO इमेज. तो हम अभी इसमें VMware के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो चाहे तो आप यहाँ से टॉरेंट से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, वरना हम क्या कर रहे हैं Kali Linux 64-bit VMware के लिए इसको डाउनलोड कर रहे हैं. तो ये सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी. क्योंकि मैंने दोनों इमेज डाउनलोड कर रखी है, इमेज भी और VMware भी, तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ अपने VMware वर्कस्टेशन पे. मैं आ चुका हूँ अपने VMware वर्कस्टेशन पे. यहाँ पे हमने सिंपली इंस्टॉल करना है वर्चुअल मशीन, तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन. टिपिकल पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक. देन यहाँ पे आपने अपने ISO इमेज को सेलेक्ट करने है कि जो जहाँ पे आपने अपनी Kali Linux की इमेज को डाउनलोड करा उसका पाथ यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है. ब्राउज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपनी इमेज रखी हुई है तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमें बताना है, ये दिखा रहा है कुड नॉट डिटेक्ट विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज द डिस्क इमेज, तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो हम नेक्स्ट करते हैं. अभी Linux ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बताने के Linux ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्योंकि Kali Linux एक डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे हमें डेबियन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल करना है. इसमें डेबियन का लेटेस्ट वर्जन .9x64 bit है तो मैं इंस्टॉल करता हूँ. नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन का आप नाम दे सकते हैं. मैं यहाँ पे दे देता हूँ Kali. नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं. यहाँ पे हमें देना है मैक्सिमम डिस्क साइज़, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना कि जो रिकमेंडेशन है वो 20 GB तो आपके एटलीस्ट होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम इसको डिस्क साइज में दे देता हूँ 60 GB. और यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं आपको स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल्स और स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स. इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप मतलब पहला ऑप्शन में बता रहा है कि जो भी आप अपने पार्टीशन बना रहे हैं उसकी जो भी फाइल्स हैं वो सब एक ही डिस्क में स्टोर करिए. दूसरा है आप मल्टीपल फाइल्स में क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं. तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप नहीं करें तो बेहतर है आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करें. दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं अगर जिस भी पार्टीशन में आप अपनी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें फाइल सिस्टम की लिमिटेशन हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अभी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं. कस्टमाइज हार्डवेयर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आप अपनी कंप्यूटर की रैम डिसाइड करेंगे आपको कितनी रैम एलोकेट करना चाहते हैं वर्चुअल मशीन के लिए. यानी कि आपकी मेन रैम फॉर एग्जांपल 8 GB, जैसे मेरे सिस्टम की 8 GB रैम है तो आप कितनी रैम वर्चुअल मशीन को देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे रखेंगे. तो यहाँ पे मैं 2 GB रैम्स के रख देता हूँ. ओके,
तो यहाँ पे करने के बाद हम प्रोसेसर सेट कर सकते हैं इसके, कितने प्रोसेसर, नंबर ऑफ प्रोसेसर मैं 2 करता हूँ, नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर भी 2, और यहाँ पे मैंने करना है दोस्तों। उसके बाद हम नेटवर्क अडेप्टर पे चलते हैं। नेटवर्क अडेप्टर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि नेटवर्क कनेक्शन। आपको अपने जो आपकी वर्चुअल मशीन है उसको नेटवर्क से जोड़ने के लिए यहाँ पे कुछ नेटवर्क कनेक्शन है, जैसे यहाँ पे ब्रिज कनेक्शन है, नेट कनेक्शन है, होस्ट कनेक्शन है। तो इनका मतलब क्या होता है तो हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। जो ब्रिज कनेक्शन है बेसिकली ये तब इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी कि जब आप अपने फिजिकल नेटवर्क यानी कि जो आपकी मेन मशीन है, यानी कि जो आपके जैसे आपकी मेन मशीन विंडोज 10 है, आप उस आईपी की रेंज यानी कि उस नेटवर्क को अपने वर्चुअल मशीन से जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो मेन मशीन है आपकी जो विंडोज 10 का आईपी है 192.168.10.1 है, और आप चाहते हैं कि इसी रेंज का आईपी मेरी वर्चुअल मशीन को ही मिले यानी कि 192.168.10.2 मिले, तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ब्रिज कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा इस्तेमाल हम ब्रिज कनेक्शन का तब करते हैं अगर हम अपनी वर्चुअल मशीन को जो हमारे आउटसाइड नेटवर्क है यानी कि जो हमारा आउटसाइड का इथरनेट नेटवर्क है उससे अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम अपनी जो वर्चुअल मशीन जो हमारी चलेगी अभी जो हम स्टार्ट करेंगे उसको जब हम अपने आउटसाइड नेटवर्क से कनेक्शन करना चाहते हैं, उसकी नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो हम ब्रिज कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है नेट कनेक्शन। नेट कनेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं अगर हमें क्या करना पड़ता है, हमें आउटसाइड नेटवर्क से मतलब नहीं है बट हम क्या करना है, हम नेट कनेक्शन का इस्तेमाल करके हम अपने वर्चुअल मशीन में इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम नेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा नेट कनेक्शन का इस्तेमाल करके आप इंटरनेट से तो कनेक्ट हो सकते हैं वाया अपने जो मेन मशीन है उसके द्वारा, लेकिन आप जो दूसरा नेटवर्क है यानी कि अगर आपके इथरनेट नेटवर्क चल रहा है, कोई दूसरा आउटसाइड नेटवर्क चल रहा है, तब आप उससे कनेक्ट नहीं हो सकते। आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन आप अपने इंटरनेट के अलावा आपकी मेन मशीन के अलावा किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते, बट ब्रिज कनेक्शन में ऐसा हो सकता है। तीसरा है होस्ट। होस्ट कनेक्शन तब इस्तेमाल करते हैं जब आप अपनी मेन वर्चुअल मशीन के अलावा किसी से कोई दूसरा कनेक्शन नहीं रखना चाहते। जैसे कि अगर आपने वर्चुअल मशीन अपनी बनाई है तो जो वर्चुअल मशीन आपकी होगी वो सिर्फ जितनी भी वर्चुअल मशीन होगी उसी में कॉन्टैक्ट करेगी, उसी में एक दूसरे से कनेक्ट होगा। आपकी जो मेन मशीन होगी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए कभी भी होस्ट मशीन ना रखें जब तक आपको कनेक्शन, अगर आपको क्या करना है, आपको मेन मशीन से कनेक्शन नहीं चाहिए तो आप होस्ट मशीन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी मेन मशीन आपकी वर्चुअल मशीन से कनेक्शन करे, एक दूसरे से नेटवर्किंग करे, तो आप हमेशा ब्रिज का या फिर नेट का इस्तेमाल करेंगे। इज डैट क्लियर? नेट का इस्तेमाल करने के बाद क्लिक करेंगे और ओके यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया है और फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इमेज है वो पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है तो हम क्लिक करेंगे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है इसकी, काली लिनक्स की। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिखा रहा है कि लाइव कुछ ऑप्शन देखेंगे आपको इसको इंस्टॉल करने से पहले। एक है लाइव, यानी कि अगर आप इसको लाइव इंस्टॉल करना चाहते हैं, डायरेक्टली इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप इसका इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें ऑप्शन दिखेगा इंस्टॉल और ग्राफिकल इंस्टॉल। कई यूज़र इसमें परेशान होते हैं कि इंस्टॉल और ग्राफिकल इंस्टॉल में डिफरेंस क्या है। देखिए, इंस्टॉल अगर आप पहले से ही आप लिनक्स में आपकी कमांड अच्छी है, आप बहुत अच्छा चलाना जानते हैं लिनक्स को, तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करिए, वहाँ पे सारा आपको कमांड लाइन दिखेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करें लिनक्स का, या फिर अगर आपका कमांड लाइन इतना अच्छा नहीं है, ग्राफिकली आप देखना चाहते हैं, तो आप ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने इसका लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कौन से लैंग्वेज में हमें इसको में काम करना है, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंट्री यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू। अभी दिखा रहा है कि कॉन्फ़िगर द कीबोर्ड, अमेरिकन इंग्लिश कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यू क्लिक करते हैं। तो ये इंस्टॉलर कॉम्पोनेंट्स को लोड कर रहा है और इंस्टॉल कर रहा है इसमें। यहाँ पे होस्ट नेम पूछ रहा है क्या लिखना है, तो हमने होस्ट नेम काली रखना है, तो हम काली पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। डोमेन नेम, अगर आपका कोई डोमेन नेम है, जैसे कि डोमेन मतलब होता है www.google.com, अलग अलग डोमेन होते हैं, इस तरह का अगर आपको डोमेन नेम है तो आप रख सकते हैं, वरना आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
अब पासवर्ड पूछ रहे हैं कि क्या पासवर्ड आपको रखना है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे वो क्लॉक को कॉन्फ़िगर कर रहा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाता है कि VMware टूल्स, ये VMware टूल्स क्या होता है। तो VMware टूल भी एज अ ड्राइवर, पूरा ड्राइवर पैक होता है VMware का, तो उसको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इजीली रन करना चाहते हैं तो। ओके, तो ये आगे आया है पार्टीशन डिस्क। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं इसने, गाइडेड यूज़ एंटायर डिस्क, गाइडेड यूज एंटायर डिस्क एंड सेट द LVM, गाइडेड यूज एंटायर डिस्क एंड सेटअप इनक्रिप्टेड LVM। तो इनका कुछ मतलब होता है, क्या मतलब होता है हम जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है गाइडेड यूज एंटायर डिस्क। गाइडेड यूज एंटायर डिस्क का मतलब होता है जो भी, मतलब जो जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो एक ही पूरे डिस्क में इंस्टॉल हो, यानी कि जितनी ये फाइल्स हों वो सब एक ही पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल हो। और ये किसके लिए जनरली प्रेफरेंस होता है, एक सिंगल यूज़र के लिए जब हम बात करते हैं, यानी कि अगर एक सिंगल यूज़र अपने लिए इंस्टॉल कर रहा है तो हम गाइडेड यूज एंटायर इसका जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी रूट डायरेक्टरी होती है वो सब एक ही पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल होता है। इसके अंदर आपके क्या होते हैं, दूसरा है गाइडेड गाइडेड यूज एंटायर डिस्क एंड सेट अप LVM। अब LVM का क्या मतलब होता है, देखिए LVM होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट आपका एक तरह का पार्टीशन होता है जो कि इस्तेमाल में लाया जाता है अगर आप इन फ्यूचर अपना पार्टीशन है वो घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो हम LVM का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी जो है हम गाइडेड यूज एंटायर डिस्क का ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सिंगल यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। लास्ट है सेटअप इनक्रिप्टेड LVM, जहाँ पे आप अपने पार्टीशन में इंक्रिप्शन की फैसिलिटी भी देना चाहते हैं तो हम इनक्रिप्टेड LVM का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, गाइडेड यूज एंटायर डिस्क का। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पे हमें क्या करना है, कंटिन्यू ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन। ओके, तो यहां पे तीन ऑप्शन है, ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन। तो ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली क्या है, इसमें जो भी आपकी फाइल्स होंगी वो सब एक ही पार्टीशन के अंदर बनेगी, जो रूट डायरेक्टरी होगी आपकी वो एक ही पार्टीशन में बनेगी। दूसरा है सेपरेट स्लैश होम एंड स्लैश स्लैश होम पार्टीशन। अब इसमें क्या होगा, दो डायरेक्टरी बनेगी, एक में आपकी रूट डायरेक्टरी बनेगी और दूसरी डायरेक्टरी बनेगी आपकी होम, जिसमें आपकी यूज़र की जितने भी आपकी यूज़र का डेटा होगा, यूज़र की फाइल्स होंगी, वो सब डायरेक्टरीज होंगी वो होम डायरेक्टरी में होगी। ठीक है, इसका फ़ायदा क्यों होता है, इसमें बेसिकली एक फ़ायदा इसका ये है कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका कोई भी डेटा है, आप कोई भी डेटा जनरेट करते हैं और कल को आपने अपने सिस्टम को रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ी तो आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। इसमें दो ड्राइव बन रही है, एक रूट की बन रही है और एक आपके डेटा की बन रही है। जैसे हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक सी ड्राइव होती है और एक बाकी ड्राइव होती है। जब भी हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव का डेटा फॉर्मेट होता है, आपका डेटा सुरक्षित रहता है। इस तरीके से इसमें भी होता है, अगर आप सेपरेट होम पार्टीशन बनाएंगे तो होम पार्टीशन में आपके आपका डेटा सेफ रहेगा, रीइंस्टॉल करने के टाइम पे खाली जो रूट का डेटा होगा वो उड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तीसरा है सेपरेट होम वार एंड टेम्प पार्टीशन। अब ये होता है सर्वर इंस्टॉलेशन की, जब हम बोलते हैं सर्वर इंस्टॉलेशन में हम बात करते हैं मल्टी यूज़र, जब मल्टीपल यूज़र के लिए हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे तीनों अलग अलग होते हैं। एक यूज़र की डायरेक्टरी अलग होती है और टेम्प्ररी फाइल्स की डायरेक्टरी अलग होती है, और क्या होता है सर्वर सॉफ्टवेयर का डेटा इसमें अलग होता है। अभी हम सिंगल यूज़र का कर रहे हैं तो हम ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन में क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। अब ये बोल रहा है फिनिश पार्टिशनिंग एंड राइट चेंजेस टू डिस्क। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हम यहाँ पे कुछ कोई चेंजेस करने हैं आपको अपने पार्टीशन में तो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप रेड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, या फिर LVM कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर मैंने आपको बताया, इनक्रिप्टेड वॉल्यूम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली इस पे कंटिन्यू करेंगे। अब ये बोल रहा है पार्टीशन डिस्क, राइट द चेंजेस टू डिस्क। हम क्या आप जो भी चेंजेस डिस्क में राइट करना चाहते हैं, बिल्कुल हम करना चाहते हैं, यस पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो पार्टीशनिंग डिस्क के पार्टीशन करेगा। यहाँ पे दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है इसमें, तो यहाँ पे यस करिए, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे ये बोल रहा है कॉन्फ़िगर द पैकेज मैनेजर, तो यहाँ पे STD प्रॉक्सी का कुछ सीन होता है, तो अभी हम फिलहाल उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे प्रॉक्सी में। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अभी पैकेज मैनेजर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इन फ्यूचर कोई भी अगर अपडेट आता है, कुछ नया एलिमेंट आता है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसका अपडेट आ जाएगा।
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पैकेज मैनेजर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है हार्ड डिस्क में। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल करना है मास्टर बूट रिकॉर्ड में, यानी कि MBR में। तो पहले हम जानते हैं कि ग्रब बूट लोडर होता है क्या है। ग्रब की फुल फॉर्म होती है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। अब बूट लोडर जानते हैं क्या होता है। बूट लोडर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी भी कंप्यूटर के स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले चलता है। अगर आप एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर की पावर ऑन करते हैं, तो सबसे पहला प्रोग्राम जो लॉन्च होता है वो होता है बूट लोडर। बूट लोडर ही वो प्रोग्राम होता है जो सिस्टम को बूट कराने में हेल्प करता है, यानी कि बूट लोडर इज यूज्ड फॉर बूट अप द सिस्टम। तो ग्रब बूट लोडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कर्नल के पास पहले सबसे पहले बूट लोडर स्टार्ट होता है। फिर बूट लोडर ने क्या करा, जो भी उसके एसेंशियल प्रोग्राम थे उसने किसको फॉरवर्ड करे, कर्नल सॉफ्टवेयर को। देन कर्नल क्या करेगा, आगे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करेगा। तो बूट लोडर स्टार्टिंग के लिए टाइम पे बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है ग्रब बूट लोडर को। यस पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एंटर डिवाइस मेन्यू वाले हमें करना है डेव SDA पे, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट का फेज है इंस्टॉलेशन का लिनक्स का, वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे ग्रब बूट लोडर जो है इंस्टॉल हो रहा है। तो आपको समझ में आया ग्रब बूट लोडर क्या होता है, जो एक स्टार्टिंग के फेज में कंप्यूटर स्टार्ट होने पे जो इंस्टॉल होता है, हमारा स्टार्ट होता है वो होता है। तो गाइस पूरे इंस्टॉलेशन के टाइम पे तो आपको हो सकता है 15-20 मिनट लगे इसको पूरे इंस्टॉलेशन में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन खत्म हो गई है इसकी। तो हम फिनिश इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी पूरी कार की इंस्टॉलेशन खत्म हो गई है। अब यहाँ पे हम सिस्टम को रीबूट करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स ये रीबूट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है काय लिनक्स पे। मशीन हमारी रीबूट हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पासवर्ड डालना है। यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं रूट पासवर्ड, हमने डालना है जो हमने सबसे पहले हमने सेट करा था पासवर्ड वो। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो कुछ इस टाइप का UI है काय लिनक्स का। तो फ्रेंड इस तरह से जैसे हमने देखा किस तरह से हमें अपने काय लिनक्स को इंस्टॉल करना है वर्चुअल मशीन में। यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसके रेजोल्यूशन ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने इसका रेजोल्यूशन बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स आज हमने जाना किस तरह से हम काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, VMware टूल्स के बारे में जाना कि VMware टूल्स क्यों ज़रूरी हैं। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा किस तरह से हम VMware टूल को इंस्टॉल करेंगे। और फ्रेंड्स एक और क्वेरी ये आती है जनरली स्टूडेंट्स की कि जब वो काले लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे कुछ CD माउंट करके कुछ एरर आता है। तो अगर इस टाइप का आपके पास कोई एरर आ रहा है तो आप रुफूस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल क्रोम में से। रुफूस की मदद से आप अपने काले लिनक्स में इंस्टॉल करेंगे, बूटर बनाएंगे USB को, तो आपको उम्मीद है कि वो वाला एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी लास्ट में हम देख लेते हैं किस तरह से VMware के टूल्स को हमने इंस्टॉल करना है। सिंपली आपने VMware पे जाना है। VMware जाने के बाद आपने करना है इंस्टॉल VMware टूल्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। सिंपली आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ पे VMware टूल्स आपके इस्तेमाल हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से वर्किंग करा जाए काय लिनक्स में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।